जो भक्तिमान पुरुष प्रतिदिन प्रातः काल में उठकर स्नान करके पवित्र हो पीले वस्त्रों को धारण करके पूर्वाभिमुख होकर मन में विष्णु भगवान का ध्यान करता हुआ इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है या सिर्फ सुनता है, वह महान यश को पाता है, वह वीर्य और तेज को पाता है तथा आरोग्यवान, कांतिमान, बलवान, रूपमान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। उसका किसी भी लोक में अहित नहीं होता। इस स्तोत्र का फल कभी खाली नहीं जाता। इससे हर इच्छा पूरी होती है और अंत में मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर परमात्मा में विलीन हो जाता है। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या एक पाठ भी रोज करता है तो उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं कुछ भी अशुभ नहीं होता। केवल सुनने मात्र से ही जातक पवित्र होने लगता है। बुरे कार्यों को करने की लालसा स्वतः ही क्षीण होने लगती है। यह कहने मात्र कथा भी नहीं है। इस स्तोत्र के प्रभाव से जीवन में चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। परमपिता भीष्म और वैष्म पायन जी इस स्तोत्र की महिमा का बखान करते हुए नहीं थकते। अतः यह स्तोत्र सभी स्त्रोतों में परम कल्याणकारी स्तोत्र कहा गया है। पाठ नहीं कर पाने की स्थिति में यदि इस स्तोत्र का श्रवण भी किया जाए तो भी मनुष्य की परम गति होती है। भगवान गणेश की अंग कांति सिंदूर के समान है। उनकी दो भुजाएं हैं, वे लंबोदर हैं और कमल दल पर विराजमान हैं। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा में लगे हुए हैं। वे सिद्ध समुदाय से युक्त है। ऐसे श्री गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सफेद वस्त्र पहने हैं, जो सर्वव्यापी है, जो चांद के रंग के समान कांतिमान हो रहे हैं, जो चार भुजाओं के साथ है, जो सभी कुछ जानते हैं, जो मधुर मुस्कान लिए हुए हैं, ऐसे ईश्वर का मैं ध्यान लगाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे आने वाली सभी बाधाओं को दूर करें। मैं विश्वक सेना भगवान विष्णु की सेना की शरण लेता हूँ जो हमेशा सभी बाधाओं को दूर करती है। हाथी का सामना करने वाले परिचर और कई अन्य विघ्नों से हमारी रक्षा करती है। हे व्यास, आपको प्रणाम है। जो ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति के पोते हैं, जो ऋषि पराशर के पुत्र हैं और शुक के पिता हैं, जो सभी दोषों से मुक्त हैं और तपस्या के भंडार हैं, उन महर्षि को मेरा सादर प्रणाम। महर्षि व्यास को मेरा बारंबार प्रणाम। व्यास रूपी विष्णु जी को भी मेरा प्रणाम। विष्णु जिन्होंने स्वयं को व्यास के रूप में प्रकट किया है, जो ब्राह्मण रूपी ज्ञान और धन के भंडार हैं और वशिष्ठ के वंश के हैं। विकार रहित शुद्ध स्वरूप नित्य परमात्मा जो सदा एक समान रहने वाले हैं, जो सर्वव्यापी है, जो सबको वश में रखने वाले हैं, उन वासुदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनकी स्मृति मात्र से जीव के रोग, शोक, पाप, ताप, दुख, दरिद्रता, दुर्गुण चले जाते हैं, जिसका सुमिरन करने मात्र से जीव संसारी बंधनों से मुक्त हो जाता है, सबको उत्पन्न करने वाले उस परम प्रभु श्री विष्णु को मेरा बार बार नमस्कार है। भगवान विष्णु को नमस्कार है। उस सर्वशक्तिमान भगवान को कोटि कोटि मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विनियोगः इस सहस्त्र नाम स्तोत्र महामंत्र के श्री विष्णु देवता है, महर्षि वेद व्यास ऋषि है, जिसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। महाविष्णु परमात्मा है और श्रीमन नारायण देवता है। अमृत के समान शुद्ध स्वयं भू बीज है। देवकी नंदन इस बीज की शक्ति है। उद्भव शोभनो देव इसका परम मंत्र है, जिससे यह स्तोत्र इस ब्रह्मांड के अस्तित्व में आया है। शंख, तलवार और चक्र कीलक है। शारंग, धनुष और गदा इसके अस्त्र हैं। इस रथ रूपी अंग के पाणी और क्षोभ नेत्र है, जो कि अपने हाथों से इसके पहिए को पकड़े हुए हैं। कवच त्रिसमा एक वह जो तीन महत्वपूर्ण साम द्वारा गाया जाता है। गर्भस्थ परमात्मा परम ब्रह्म है, जिसके गर्भ से ब्रह्मांड निकला है। सीमा ऋतु सुदर्शन काल है, जो सत्य की रक्षा करता है। वह अस्त्र है जो बुरी शक्तियों से दुनिया से मानव जीवन की रक्षा करता है। विश्व रूप का ध्यान करता हूँ और महाविष्णु के सहस्त्र नाम जापने का विनियोग करता हूँ। ध्यानम मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ, जो इस सृष्टि के पालक और रक्षक है
जो शांतिपूर्ण हैं, जो विशाल सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल निकला हुआ है, जो ब्रह्मांड का सृजन करता है, जो एक परमात्मा है, जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, जो सर्वव्यापी है, जो बादलों की तरह सांवले हैं, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, वही समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं। योगी जन उनको समझने के लिए ध्यान करते हैं। वह इस संसार के भय का नाश करने वाले हैं। सब लोगों के स्वामी भगवान विष्णु को मेरा बार बार नमस्कार है। विराट स्वरूप सर्वव्यापी, जिनके उद्देश्य से यज्ञ में व्यष्टि क्रिया की जाती है, ऐसे यज्ञ स्वरूप भूत भविष्यत और वर्तमान के स्वामी रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा रूप से संपूर्ण भूतों की रचना करने वाले, सत्वगुण को स्वीकार करके संपूर्ण भूतों का पालन पोषण करने वाले, नित्य स्वरूप होते हुए भी स्वतः उत्पन्न होने वाले, संपूर्ण भूतों के आत्मा, भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले, पवित्र आत्मा, परम श्रेष्ठ, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले, मुक्त पुरुषों की सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, कभी विनाश को प्राप्त न होने वाले, पूर अर्थात शरीर में शयन करने वाले, बिना किसी व्यवधान के सब कुछ देखने वाले, क्षेत्र अर्थात समस्त प्रकृति रूप शरीर को पूर्णता जानने वाले, कभी क्षीण न होने वाले, मन सहित संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों के निरोध रूप योग से प्राप्त होने वाले, योग को जानने वाले, भक्तों के स्वामी, प्रकृति और पुरुष के स्वामी, मनुष्य और सिंह दोनों के जैसा शरीर धारण करने वाले अर्थात नरसिंह रूप, वक्ष स्थल में सदा श्री को धारण करने वाले, केशव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महादेव इस प्रकार त्रिमूर्ति स्वरूप, क्षर और अक्षर इन दोनों में सर्वथा उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम रूप, सर्वरूप सारी प्रजा का प्रलय काल में संहार करने वाले, तीनों गुणों से परे कल्याण स्वरूप, स्थिर भूतों के आदि कारण, प्रलय काल में सब प्राणियों के लीन होने के लिए अविनाशी स्थान स्वरूप, अपनी इच्छा से भली प्रकार प्रकट होने वाले, समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करने वाले, सबका भरण करने वाले, उत्कृष्ट अर्थात दिव्य जन्म लेने वाले, सबके स्वामी उपाधि रहित ऐश्वर्य वाले, स्वयं उत्पन्न होने वाले, भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले, द्वादश आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य, कमल के समान नेत्र वाले, वेद रूप अत्यंत महान घोष वाले, जन्म मृत्यु से रहित विश्व को धारण करने वाले, कर्म और उसके फलों की रचना करने वाले, कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ, प्रमाण आदि से जानने में ना आ सकने वाले, इंद्रियों के स्वामी, जगत के कारण रूप कमल को अपनी नाभि में स्थान देने वाले, देवताओं के स्वामी, सारे जगत की रचना करने वाले, प्रजापति मनुरूप संहार के समय संपूर्ण प्राणियों को छीन करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, मन से भी ग्रहण न किया जा सकने वाले, सब काल में स्थित रहने वाले, सबके चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमानंद स्वरूप, लाल नेत्रों वाले, प्रलय काल में प्राणियों का संहार करने वाले, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, ऊपर नीचे और मध्य भेद देने वाली, तीनों दिशाओं के आश्रय रूप सबको पवित्र करने वाले, परम मंगल स्वरूप, सर्वभूतों के नियंता, सबके प्राणदाता, प्राण स्वरूप, सबके कारण होने से सबसे बड़े, सबसे उत्कृष्ट होने से परम श्रेष्ठ, ईश्वर रूप से सारी प्रजाओं के स्वामी, ब्रह्मांड रूप हिरणमय अंड के भीतर ब्रह्मा रूप से व्याप्त होने वाले, पृथ्वी को गर्भ में रखने वाले, लक्ष्मी जी के पति मधु नामक दैत्य को मारने वाले, सर्वशक्तिमान ईश्वर, शूरवीरता से युक्त शांगर धनुष धारण करने वाले, अत्यंत बुद्धिमान गरुड़ पक्षी द्वारा गमन करने वाले, क्रम विस्तार के कारण सर्वोत्कृष्ट, किसी से भी तिरस्कार न होने वाले, अपने निमित्त से थोड़ा सा भी त्याग किए जाने पर उसे बहुत मानने वाले, यानी पत्र पुष्पादि थोड़ी सी वस्तु समर्पण करने वाले को भी मोक्ष दे देने वाले, पुरुष प्रयत्न के आधार रूप अपनी ही महिमा में स्थित, देवताओं के स्वामी, दीन दुखियों के परम आश्रय, परमानंद स्वरूप, विश्व के कारण सारी प्रजा को उत्पन्न करने वाले, प्रकाश रूप, काल रूप से स्थित शेषनाग स्वरूप, उत्तम बुद्धि से जानने में आने वाले, सबके दृष्टा, जन्म रहित समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, नित्य सिद्ध, सबके फल स्वरूप, सब भूतों के आदि कारण,
अपनी स्वरूप स्थिति से कभी त्रिकाल में भी च्युत न होने वाले धर्म और वराह रूप अप्रमेय स्वरूप नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधन से जानने में आने वाले सब भूतों के वास स्थान उदार मन वाले सत्य स्वरूप संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप से विराजने वाले समस्त पदार्थों से मापे न जा सकने वाले सब समस्त विकारों से रहित भक्तों के द्वारा पूजन स्तवन अथवा स्मरण किए जाने पर उन्हें व्रथा न करके पूर्ण रूप से उनका फल प्रदान करने वाले कमल के समान नेत्रों वाले धर्ममय कर्म करने वाले धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह धारण करने वाले दुख के कारण दुख को भगा देने वाले बहुत से सिरों वाले लोगों का भरण करने वाले विश्व को उत्पन्न करने वाले पवित्र कीर्ति वाले कभी ना मरने वाले नित्य सदा एक रस रहने वाले स्थिर आरूढ़ होने के लिए परम उत्तम अपुनरावृत्ति स्थान स्वरूप प्रताप अर्थात प्रभाव रूप महान तप वाले कारण रूप से सर्वत्र व्याप्त रहने वाले सब कुछ जानने वाले प्रकाश स्वरूप युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर देने वाले जनार्दन अर्थात भक्तों के द्वारा अभ्युदय श्रेयस रूप परम पुरुषार्थ की योजना किए जाने वाले वेद रूप वेद तथा वेद के अर्थ को यथावत जानने वाले ज्ञान आदि से परिपूर्ण अर्थात किसी प्रकार से अधूरे न रहने वाले अर्थात सर्वांग पूर्ण वेद रूप अंगों वाले वेदों की रचना करने वाले सर्वज्ञ समस्त लोकों के अधिपति देवताओं के अध्यक्ष अनुरूप फल देने के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय करने वाले कायर्क रूप से कृत और कारण रूप से अकृत ब्रह्मा विष्णु महेश और निराकार ब्रह्म इन चार स्वरूप वाले उत्पत्ति स्थिति नाश और रक्षा रूप चार व्यूह वाले चार दाढ़ों वाले नरसिंह रूप चार भुजाओं वाले वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु एक रस प्रकाश स्वरूप ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप पुरुष रूप से भोक्ता सहनशील जगत के आदि में हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं उत्पन्न होने वाले पाप रहित ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणों में सबसे बढ़कर स्वभाव से ही समस्त भूतों को जीतने वाले सबके कारण रूप पुनः पुनः अवतार शरीर में निवास करने वाले इंद्र के छोटे भाई वामन रूप से अवतार लेने वाले तीनों लोकों को लांघने के लिए त्रिविक्रम रूप से ऊंचे होने वाले अव्यर्थ चेष्टा वाले स्मरण स्तुति और पूजन करने वालों को पवित्र कर देने वाले अत्यंत बलशाली स्वयं सिद्ध ज्ञान ऐश्वर्य आदि के कारण इंद्र से भी बड़े चढ़े हुए प्रलय के समय सबको समेट लेने वाले सृष्टि के कारण रूप जन्म आदि से रहित रहकर स्वेच्छा से स्वरूप धारण करने वाले प्रजा को अपने अपने अधिकारों में नियमित करने वाले अंतःकरण में स्थित होकर नियमन करने वाले कल्याण की इच्छा वाले के द्वारा जानने योग्य सब विद्याओं को जानने वाले सदा योग में स्थित रहने वाले धर्म की रक्षा के लिए असुर योद्धाओं को मार देने वाले विद्या के स्वामी अमृत की तरह सबको प्रसन्न करने वाले इंद्रियों से सर्वथा अतीत मायावियों पर भी माया डालने वाले महान मायावी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए तत्पर रहने वाले परम उत्साही महान बलशाली महान बुद्धिमान महान पराक्रमी महान सामर्थ्यवान महान कांतिमान वर्णन करने में न आने योग्य स्वरूप ऐश्वर्यवान जिसका अनुमान न किया जा सके ऐसे आत्मा वाले अमृत मंथन और गोरक्षण के समय मंदरांचल और गोवर्धन नामक महान पर्वतों को धारण करने वाले महान धनुष वाले पृथ्वी को धारण करने वाले अपने वक्ष स्थल में श्री को निवास देने वाले सत्पुरुषों के परम आश्रय किसी के भी द्वारा न रुकने वाले देवताओं को आनंदित करने वाले वेदवाणी के द्वारा अपने को प्राप्त करा देने वाले देववाणी को जानने वालों के स्वामी तेजस्वियों के भी परम तेज स्वरूप प्रमाद करने वाली प्रजा को यम आदि के रूप से दमन करने वाले पितामह ब्रह्मा को वेद का ज्ञान कराने के लिए हंस रूप धारण करने वाले सुंदर पंख वाले गरुड़ स्वरूप सर्पों में श्रेष्ठ शेष नाग रूप सुवर्ण के समान रमणीय नाभि वाले बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप से सुंदर तप करने वाले कमल के समान सुंदर नाभि वाले संपूर्ण प्रजाओं के पालन करता मृत्यु से रहित सब कुछ देखने वाले दुष्टों का विनाश करने वाले प्राणियों को उनके कर्मों के फलों के संयुक्त करने वाले
संपूर्ण यज्ञ और तपों के फलों को भोगने वाले, सदा एक रूप, दुर्गुणों को दूर हटा देने वाले, किसी से भी सहन न किए जा सकने वाले, सब पर शासन करने वाले, वेद शास्त्रों में प्रसिद्ध स्वरूप वाले, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, सब विद्याओं का उपदेश करने वाले, ब्रह्मा आदि को भी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले, संपूर्ण जगत के आश्रय, सत्य स्वरूप, अमोघ पराक्रम वाले, योग निंद्रा से मुंदे हुए नेत्र वाले, मत्स्य रूप से अवतार लेने वाले, वैजयंती माला को धारण करने वाले, सारे पदार्थों को प्रत्यक्ष करने वाली बुद्धि से युक्त, समस्त विद्याओं के पति, मुमुक्षुओं को उत्तम पद पर ले जाने वाले, भूत समुदायों के नेता, सबसे बड़ी चढ़ी कांति वाले, प्रमाणों के आश्रयभूत तर्क की मूर्ति, जगत रूप यंत्र को चलाने वाले, श्वास रूप से प्राणियों से चेष्टा कराने वाले, हजारों सिर वाले, विश्व की आत्मा, हजारों आंखों वाले, हजारों पैरों वाले, संसार चक्र को चलाने के स्वभाव वाले, संसार बंधन से नित्य मुक्त स्वरूप, अपनी योग माया से ढके हुए, अपने रुद्र आदि स्वरूप से सबका मर्दन करने वाले, सूर्य रूप से सम्यक्ता दिन के प्रवर्तक, हवि को वहन करने वाले अग्निदेव, प्राण रूप से वायु रूप, वराह और शेष रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, शिशुपाल आदि अपराधियों पर भी कृपा करने वाले, प्रसन्न स्वभाव वाले, जगत को धारण करने वाले, विश्व का पालन करने वाले, सर्वव्यापी, भक्तों का सत्कार करने वाले, पूजितों से भी पूजित, भक्तों के कार्य साधने वाले, संहार के समय जीवों का लय करने वाले, जल में शयन करने वाले, भक्तों को परम धाम में ले जाने वाले, जिसके नाम और गुणों की संख्या न की जा सके, किसी से भी मापे ना जा सकने वाले, सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ बनने वाले, परम शुद्ध इच्छित अर्थ को सर्वथा सिद्ध कर चुकने वाले, सत्य संकल्प वाले, कर्म करने वालों को उनके अधिकार के अनुसार फल देने वाले, सिद्धि रूप क्रिया के साधक, द्वादश आदि यज्ञों को अपने में स्थित रखने वाले, भक्तों के लिए इच्छित वस्तुओं की वर्षा करने वाले, शुद्ध सत्व मूर्ति, परम धाम में आरूढ़ होने की इच्छा वालों के लिए धर्म रूप सीढ़ियों वाले, अपने उदर में धर्म को धारण करने वाले, भक्तों को बढ़ाने वाले, संसार रूप से बढ़ने वाले, संसार से पृथक रहने वाले, वेद रूप जल के समुद्र, जगत की रक्षा करने वाली अति सुंदर भुजाओं वाले, ध्यान द्वारा कठिनता से धारण किए जा सकने वाले, वेदमयी वाणी को उत्पन्न करने वाले, ईश्वरों के भी ईश्वर, धन देने वाले, धन रूप, अनेक रूपधारी, विश्व रूपधारी, सूर्य किरणों में स्थित रहने वाले, सबको प्रकाशित करने वाले, प्राण और बल, शूरवीरता आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, प्रकाश रूप सूर्य आदि अपनी विभूतियों से विश्व को तृप्त करने वाले, धर्म ज्ञान और वैराग्य आदि से उत्पन्न ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ऋक साम और यजु के मंत्र स्वरूप, संसार ताप से संपच्चित पुरुष को चंद्रमा की किरणों के समान आह्लादित करने वाले, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप वाले, समुद्र मंथन करते समय चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले, भासने वाले, खरगोश के समान चिन्ह वाले चंद्र स्वरूप, देवताओं के ईश्वर, संसार रोग को मिटाने के लिए औषधि स्वरूप, संसार सागर को पार कराने के लिए सेतु रूप, सत्य स्वरूप, धर्म और पराक्रम वाले, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, वायु रूप जगत को पवित्र करने वाले, अग्नि स्वरूप अपने भक्त जनों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अमनीय रूप ब्रह्मा विष्णु महादेव, इस प्रकार त्रिवेद स्वरूप भक्तों की उनकी कामना की हुई वस्तु प्रदान करने वाले, सर्व सामर्थ्यवान, युगादि का आरंभ करने वाले, चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले, अनेक मायाओं को धारण करने वाले, कल्प के अंत में सबको ग्रसन करने वाले, समस्त ज्ञानेंद्रियों के अभिषय निराकर स्वरूप वाले, युद्ध में हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र समस्त भूतों को जीतने वाले, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, मयूर पिच्छ को अपना शिरोभूषण बना लेने वाले, भूतों को माया से बांधने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले धर्म स्वरूप, क्रोध का नाश करने वाले, क्रोध करने वाले दैत्यादियों के विनाशक,
सब और बाहुओं वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, छह भाव विकारों से रहित, जगत की उत्पत्ति आदि कर्मों के कारण विख्यात, हिरण्यगर्भ से प्रजा को जीवित रखने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले, वामन अवतार में इंद्र के अनुज रूप में उत्पन्न होने वाले, जल को एकत्र रखने वाले, समुद्र स्वरूप, उपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय, कभी प्रसाद न करने वाले, अपनी महिमा में स्थित स्वामी कार्तिकेय रूप, धर्म पथ को धारण करने वाले, समस्त भूतों के जन्मादि रूप धूर को धारण करने वाले, इच्छित वर देने वाले, सारे वायु भेदों को चलाने वाले, सब भूतों में सर्वात्मा रूप से बसने वाले, महान किरणों से युक्त एवं संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य रूप, सबके आदि कारण देव, असुरों की नगरी को ध्वंस करने वाले, सब प्रकार के शोक से रहित, संसार सागर से तारने वाले, जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारने वाले, पराक्रमी शूरवीर श्री वसुदेव जी के पुत्र, समस्त जीवों के स्वामी, आत्मा रूप होने से सबके अनुकूल, धर्म रक्षा के लिए सैकड़ों अवतार लेने वाले, अपने हाथ में कमल धारण करने वाले, कमल के समान कोमल दृष्टि वाले, हृदय कमल के मध्य निवास करने वाले, कमल के समान आंखों वाले, हृदय कमल में ध्यान करने योग्य, अन्य रूप से सबके शरीरों का भरण करने वाले, महान विभूति वाले, सब में बड़े चढ़े, पुरातन स्वरूप, विशाल नेत्रों वाले, गरुड़ के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले, तुलना रहित शरीरों को प्रत्यगात्मक रूप से प्रकाशित करने वाले, जिससे पापियों को भय हो ऐसे भयानक, समभाव रूप यज्ञ से संपन्न, यज्ञों में हवि भार्ग और अपना स्मरण करने वाले, पापों को हरण करने वाले, समस्त लक्षणों से लक्षित होने वाले, अपने वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी को सदा बसाने वाले, संग्राम विजयी, नाश रहित मत्स्य विशेष का स्वरूप धारण करने वाले, परमानंद प्राप्ति के साधना स्वरूप, संसार के निमित्त और उपादान कारण, यशोदा जी द्वारा रस्सी से बंधे हुए उदर वाले, भक्त जनों के अपराधों को सहन करने वाले, पृथ्वी को धारण करने वाले, महान भाग्यशाली तीव्र गति वाले, प्रलय काल में सारे विश्व को भक्षण कर लेने वाले, जगत की उत्पत्ति के उपादान कारण, जगत की उत्पत्ति के समय प्रकृति और पुरुष में प्रविष्ट होकर शुद्ध कर देने वाले, प्रकाश स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य को अपने उदर में रखने वाले, सर्वश्रेष्ठ शासन करने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के उपादान और निमित्त कारण, सबके रचयिता, विचित्र भुवनों की रचना करने वाले, अपने विलक्षण स्वरूप सामर्थ्य और लीलादि के कारण पहचाने ना जा सकने वाले, माया से अपने स्वरूप को ढक लेने वाले, ज्ञान स्वरूप लोकपाल दिकों को, समस्त जीवों को, चारों वर्णाश्रमों को एवं उनके धर्मों को व्यवस्था पूर्वक रचने वाले, प्रलय के सम्यक स्थान धूर्वादी भक्तों को स्थान देने वाले, अचल स्वरूप श्रेष्ठ भूभूति वाले, ज्ञान स्वरूप होने से परम स्पष्ट रूप, एकमात्र परमानंद स्वरूप, एकमात्र सर्वत्र परिपूर्ण, दर्शन मात्र से कल्याण करने वाले, योगी जनों को रमन करने के लिए नित्य नंद स्वरूप, प्रलय के समय प्राणियों को अपने में विराम देने वाले, रजोगुण तथा तमोगुण से सर्वथा शून्य मुमुक्षु जनों के अमर होने के साधन स्वरूप, उत्तम ज्ञान से ग्रहण करने योग्य, सबको नियम में रखने वाले, स्वतंत्र पराक्रमशाली शक्तिमानों में भी अतिशय शक्तिमान धर्म स्वरूप, समस्त धर्म वेत्ताओं में उत्तम परम धाम स्वरूप, विश्व रूप शरीर में शयन करने वाले, प्राण वायु रूप से चेष्टा करने वाले, सर्ग के आदि में प्राण प्रदान करने वाले, ओंकार स्वरूप विराट रूप से विस्तृत होने वाले, ब्रह्मा रूप से प्रकट होने वाले, देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले, कारण रूप से सब कार्यों में व्याप्त पवन रूप, अपने स्वरूप से क्षीण न होने वाले, ऋतु स्वरूप भक्तों को सुगमता से ही दर्शन दे देने वाले, सबकी गणना करने वाले, अपने प्रवस्त महिमा में स्थित रहने के स्वभाव वाले, शरणार्थियों के द्वारा सब ओर से ग्रहण किए जाने वाले, सूर्य आदि के भी भय के कारण संपूर्ण भूतों के वास स्थान, सब कार्यों को बड़ी कुशलता से करने वाले, विश्राम की इच्छा वाले मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाले, बलि के यज्ञ में समस्त विश्व को दक्षिणा रूप में प्राप्त करने वाले, समस्त लोकों के विस्तार के स्थान,
स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थों को अपने में स्थित रखने वाले ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्वयं प्रमाण रूप संसार के अविनाशी कारण सुख स्वरूप होने के कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय पूर्ण काम होने के कारण प्रयोजन रहित बड़े खजाने वाले यथार्थ सुख रूप महान भोग वाले अतिशय यथार्थ धन स्वरूप उकटा हट रूप विकार से रहित विराट रूप से स्थित अजन्मे धर्म के स्तंभ रूप महान यज्ञ स्वरूप समस्त नक्षत्रों के केंद्र स्वरूप चंद्र रूप समस्त कार्यों में समर्थ समस्त जगत के निवास स्थान सृष्टि आदि के लिए भली भांति चेष्टा करने वाले भगवान विष्णु पूजनीय सबसे अधिक उपासनीय स्तंभ युक्त यज्ञ स्वरूप सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले सत्पुरुषों की परम गति समस्त प्राणियों को और उनके कार्यों को देखने वाले संसारिक बंधन से नियम मुक्त आत्मस्वरूप सबको जानने वाले सर्वोत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप वाले प्रणत पाल नादि श्रेष्ठ व्रतों वाले सुंदर और प्रसन्न मुख वाले अणु से भी अणु सुंदर और गंभीर वाणी बोलने वाले अपने भक्तों को सब प्रकार से सुख देने वाले प्राणी मात्र पर अहेतु की दवा करने वाले परम मित्र अपने रूप लावण्य और मधुर भाषण आदि से सबके मन को हरने वाले क्रोध पर विजय करने वाले अर्थात अपने साथ अत्यंत अनुचित व्यवहार करने वालों पर भी क्रोध न करने वाले अत्यंत पराक्रमशील भुजाओं से युक्त अधर्मियों को अनष्ट करने वाले प्रलय काल में समस्त प्राणियों को अज्ञान निंद्रा में शयन कराने वाले स्वतंत्र आकाश की भांति सर्वव्यापी प्रत्येक युग में लोकोद्धार के लिए अनेक रूप धारण करने वाले जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने वाले सबके निवास स्थान भक्तों के परम स्नेही वृंदावन में बछड़ों का पालन करने वाले रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले समुद्र रूप सब प्रकार के धनों के स्वामी धर्म की रक्षा करने वाले धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं धर्म का आचरण करने वाले संपूर्ण धर्मों के आधार सत्य स्वरूप स्थूल जगत स्वरूप सर्वभूतमय अविनाशी क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को विज्ञाता कहते हैं उनसे विलक्षण भगवान विष्णु हजारों किरणों वाले सूर्य स्वरूप सबसे अच्छी प्रकार की धारणा करने वाले श्री वस्त्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले किरणों के बीच में सूर्य रूप से स्थित अंतर्यामी रूप से समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित रहने वाले भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करने वाले संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर सबके आदि कारण और दिव्य स्वरूप ज्ञान योग और वैश्वर्य आदि महिमाओं से युक्त समस्त देवों के स्वामी देवों का विशेष रूप से भरण पोषण करने वाले उनके परम गुरु संसार समुद्र से उद्धार करने वाले सर्वश्रेष्ठ गोपाल रूप से गायों की रक्षा करने वाले समस्त प्राणियों का पालन और रक्षा करने वाले ज्ञान के द्वारा जानने में आने वाले सदा एक रस रहने वाले सबके आदि पुराण पुरुष शरीर के उत्पादक पंचभूतों का प्राण रूप से पालन करने वाले निरतिशय आनंद पुंज को भोगने वाले बंदरों के स्वामी श्री राम आदि अवतारों में यज्ञ करते समय बहुत सी दक्षिणा प्रदान करने वाले यज्ञों में देव रूप से और यजमान रूप से सोमरस का पान करने वाले समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत देवों को पिलाकर स्वयं पीने वाले औषधियों का पोषण करने वाले चंद्रमा स्वरूप बहुतों को विजय लाभ प्राप्त करने वाले विश्व रूप और अत्यंत श्रेष्ठ दुष्टों को दंड देने वाले सब पर विजय प्राप्त करने वाले सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले दाशाहर कुल में प्रकट होने वाले यादवों के और अपने भक्तों के स्वामी क्षेत्रज्ञ रूप से प्राणों को धारण करने वाले अपने शरणापन्न भक्तों के विनय भाव को तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाले मुक्तिदाता वामनावतार में पृथ्वी नापते समय अत्यंत विस्तृत पैर रखने वाले जल के निधान समुद्र स्वरूप अनंत मूर्ति प्रलय काल के महान समुद्र में शयन करने वाले प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु स्वरूप अकार भगवान विष्णु का वाचक है उससे उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा स्वरूप पूजनीय नित्य सिद्ध होने के कारण स्वभाव से ही उत्पन्न न होने वाले रावण शिशुपाल आदि शत्रुओं को जीतने वाले स्मरण मात्र से नित्य प्रमुदित करने वाले आनंद स्वरूप सबको प्रसन्न करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न धर्म ज्ञान आदि सभी गुणों से युक्त तीन डग में तीन लोगों को नापने वाले सांख्य शास्त्र के प्रणेता
भगवान कपिलाचार्य अपने भक्तों की सेवा को बहुत मानकर अपने को उनका ऋणी समझने वाले, पृथ्वी के स्वामी, त्रिलोकी रूप तीन पैरों वाले, विश्व रूप देवताओं के स्वामी, मत्स्य अवतार में महान सिंह धारण करने वाले, स्मरण करने वालों के समस्त कर्मों का अंत करने वाले, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए महावराह रूप धारण करने वाले, नष्ट हुई पृथ्वी को पुनः प्राप्त कर लेने वाले, पार्षदों के समुदाय रूप सुंदर सेना से सुसज्जित सुवर्ण का बाजूबंद धारण करने वाले, हृदयाकाश में छिपे रहने वाले, अतिशय गंभीर स्वभाव वाले, जिनके स्वरूप में प्रविष्ट होना अत्यंत कठिन हो, ऐसे ईश्वर वाणी और मन से जानने में न आने वाले, भक्तों की रक्षा करने के लिए चक्र और गदा दिव्य आयुधों को धारण करने वाले, सब कुछ विधान करने वाले, कार्य करने में स्वयं ही सहकारी, किसी के द्वारा न जीते जाने वाले, श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने स्वरूप और सामर्थ्य से कभी भी च्युत न होने वाले, प्रलय काल में एक साथ सबका संहार करने वाले और जिनका कभी किसी भी कारण से पतन न हो सके, ऐसे अविनाशी ईश्वर, जल के स्वामी वरुण देवता, वरुण के पुत्र वशिष्ठ स्वरूप, अश्वत्थ वृक्ष स्वरूप, कमल के समान नेत्र वाले, संकल्प मात्र से उत्पत्ति पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्ति वाले, उत्पत्ति और प्रलय आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानने वाले एवं सर्वेश्वर आदि छह भागों से युक्त ईश्वर, अपने भक्तों का प्रेम बनाने के लिए उनके ऐश्वर्यों का हरण करने वाले, परम सुख स्वरूप वैजयंती वनमाला धारण करने वाले, हल रूप शस्त्र को धारण करने वाले बलभद्र स्वरूप, अदिति पुत्र वामन भगवान, सूर्य मंडल में विराजमान ज्योति स्वरूप, समस्त द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ गति स्वरूप, अतिशय सुंदर शांगर धनुष धारण करने वाले, शत्रुओं का खंडन करने वाले फरसे को धारण करने वाले परशुराम स्वरूप, सन्मार्ग विरोधियों के लिए महान भयंकर अर्थार्थी भक्तों को धन संपत्ति प्रदान करने वाले, सबके दृष्टा एवं वेद का विभाग करने वाले श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास स्वरूप, स्वर्ग लोक तक व्याप्त रहने वाले, विद्या के स्वामी तथा बिना योनि के स्वयं ही प्रकट होने वाले, देवव्रत आदि तीन साम श्रुतियों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे परमेश्वर, साम वेद का गान करने वाले, साम वेद स्वरूप परम शांति के निधान परमानंद स्वरूप, संसार रोग की औषधि वाले, संसार रोगों का नाश करने के लिए गीता रूप उपदेशामृत का पान करने वाले परम वैद्य, मोक्ष के लिए संन्यासाश्रम और संन्यास योग का निर्माण करने वाले, उपशमता का उपदेश देने वाले परम शांत स्वरूप, सबकी स्थिति के आधार अधिष्ठान स्वरूप परम शांति स्वरूप, मुमुक्षु पुरुषों के परम प्राप्य स्थान, अति मनोहर परम सुंदर अंगों वाले परम शांति देने वाले, स्वर्ग के आदि में सबकी रचना करने वाले, पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक लीला करने वाले, जल में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, गोपाल रूप से गायों का और अवतारण धारण करके भार उतार कर पृथ्वी का हित करने वाले, पृथ्वी के और गायों के स्वामी, अपनी माया से अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले, समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले, कृपा दृष्टि से युक्त, धर्म से प्यार करने वाले, रणभूमि में धर्म पालन में पीछे न हटने वाले, स्वभाव से ही विषय वासना रहित नित्य शुद्ध मन वाले, विस्तृत जगत को संहार काल में संक्षिप्त यानी सूक्ष्म कर देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले कल्याण स्वरूप, श्रीवत्स नामक चिन्ह को वक्ष स्थल में धारण करने वाले, श्री लक्ष्मी जी के वास स्थान परम शक्ति स्वरूपा श्री लक्ष्मी जी के स्वामी, सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्म आदि समस्त लोकपालों से श्रेष्ठ, भक्तों को श्री प्रदान करने वाले लक्ष्मी जी के नाथ, श्री लक्ष्मी जी के अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले, समस्त श्रीयों के आधार, सब मनुष्यों के लिए उनके कर्मानुसार नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, जगजननी श्री को वक्ष स्थल में धारण करने वाले, स्मरण स्तवन और अर्चन आदि करने वाले भक्तों के लिए श्री का विस्तार करने वाले, कल्याण स्वरूप सब प्रकार की श्रीयों से युक्त तीनों लोकों के आधार, मनोहर कृपा कटाक्ष से युक्त परम सुंदर आंखों वाले, अतिशय कोमल परम सुंदर मनोहर अंगों वाले, लीला भेद से सैकड़ों विभागों में विभक्त आनंद स्वरूप परमानंद स्वरूप, नक्षत्र समुदायों के ईश्वर, जीते हुए मन वाले
जिनके असली स्वरूप का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सके, ऐसे अनिर्वचनीय स्वरूप, सच्ची कृति वाले, सब प्रकार के संशयों से रहित, सब प्राणियों से श्रेष्ठ, समस्त वस्तुओं को सब दिशाओं में सदा सर्वदा देखने की शक्ति वाले, जिसका कोई दूसरा शासक न हो, ऐसे स्वतंत्र ईश्वर, सदा एक रस स्थिर रहने वाले, निर्विकार। लंका गमन के लिए मार्ग की याचना करते समय समुद्र तट की भूमि पर शयन करने वाले, स्वेच्छा से नाना अवतार लेकर अपने चरण चिन्हों से भूमि की शोभा बढ़ाने वाले, समस्त विभूतियों के आधार स्वरूप, सब प्रकार से शोक रहित, स्मृति मात्र से भक्तों के शोक का समूल नाश करने वाले, चंद्र सूर्य आदि समस्त ज्योतियों को दीप्यमान करने वाले, अतिशय प्रकाशमय अनंत किरणों से युक्त, ब्रह्म आदि समस्त लोकों से पूजे जाने वाले, घट की भांति सबके निवास स्थान, परम शुद्ध निर्मल आत्मा स्वरूप, स्मरण मात्र से समस्त पापों का नाश करके भक्तों के अंतःकरण को परम शुद्ध कर देने वाले, जिनको कोई बांधकर नहीं रख सकता, ऐसे चतुर्व्यूह में अनिरुद्ध स्वरूप, प्रतिपक्ष से रहित, परम श्रेष्ठ, अपार धन से युक्त, चतुर्व्यूह में प्रदुम्न स्वरूप, अपार पराक्रमी, कालनेमी नामक असुर को मारने वाले, परम शूरवीर, शूरकुल में उत्पन्न होने वाले श्री कृष्ण स्वरूप, अतिशय शूरवीरता के कारण इंद्र आदि शूरवीरों के भी इष्ट, अंतर्यामी रूप से तीनों लोकों के आत्मा, तीनों लोकों के स्वामी, ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप, केशी नाम के असुर को मारने वाले, स्मरण मात्र से समस्त पापों का हरण करने वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को चाहने वाले, मनुष्यों द्वारा अभिलाषित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव, सकामी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति करने वाले, अपने प्रियतम को चाहने वाले, परम मनोहर स्वरूप, समस्त वेद और शास्त्रों को रचने वाले, जिनके दिव्य स्वरूप का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सके, ऐसे अनिर्वचनीय शरीर वाले शेषशायी भगवान विष्णु, बिना ही पैरों के गमन करके दिव्य शक्ति से युक्त होने वाले, जिनके स्वरूप शक्ति ऐश्वर्य सामर्थ्य और गुणों का कोई भी पार नहीं पा सकता, ऐसे अविनाशी गुण प्रभाव और शक्तियों से युक्त भगवान विष्णु, अर्जुन रूप से दिग्विजय के समय बहुत सा धन जीत कर लाने वाले, तप वेद ब्राह्मण और ज्ञान की रक्षा करने वाले, पूर्वोक्त तप आदि की रचना करने वाले, ब्रह्मा रूप से जगत को उत्पन्न करने वाले, सच्चिदानंद स्वरूप, पूर्वोक्त ब्रह्म शब्दवाची तप आदि की वृद्धि करने वाले, वेद और वेदार्थ को पूर्णतया जानने वाले, समस्त वस्तुओं को ब्रह्म रूप से देखने वाले, ब्रह्म शब्दवाची तपादि समस्त पदार्थों के अधिष्ठान, अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म शब्दवाची वेद को पूर्णता यथार्थ जानने वाले, ब्राह्मणों को अतिशय प्रिय मानने वाले, बड़े वेग से चलने वाले, भिन्न भिन्न अवतारों में नाना प्रकार के महान कर्म करने वाले, जिसके तेज से समस्त सूर्य आदि तेजस्वी देदीप्यमान होते हैं, ऐसे महान तेजस्वी, बड़े भारी सर्प यानी वासुकी स्वरूप, महान यज्ञ स्वरूप, लोक संग्रह के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, जप यज्ञ आदि भगवत प्राप्ति के साधन रूप समस्त यज्ञ जिसकी विभूतियाँ हैं, ऐसे महान यज्ञ स्वरूप, ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किए जाने योग्य प्रपंच रूप हवि जिनका स्वरूप है, ऐसे महान हवि स्वरूप, सबके द्वारा स्तुति किए जाने योग्य, स्तुति से प्रसन्न होने वाले, जिसके द्वारा भगवान के गुण प्रभाव का कीर्तन किया जाता है, वह स्तोत्र स्तवन क्रिया स्वरूप, स्तुति करने वाले, युद्ध में प्रेम करने वाले, समस्त ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य और गुणों से परिपूर्ण, अपने भक्तों को सब प्रकार से परिपूर्ण करने वाले, स्मरण मात्र से पापों का नाश करने वाले पुण्य स्वरूप, परम पावन कीर्ति वाले, आंतरिक और बाह्य सब प्रकार की व्याधियों से रहित, मन की भांति वेग वाले, समस्त विद्याओं के रचयिता और उपदेश करता, हिरणमय पुरुष जिसका वीर है ऐसे सुवर्ण वीर्य, प्रचुर धन प्रदान करने वाले, अपने भक्तों को मोक्ष स्वरूप महान धन देने वाले, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण सबके अंतःकरण में निवास करने वाले, समान भाव से सब में निवास करने की शक्ति से युक्त मन वाले, यज्ञ में हवन किए जाने योग्य हवि स्वरूप, सत्पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य गति स्वरूप, जगत की रक्षा आदि सत्कार्य करने वाले, सदा सर्वदा विद्यमान सत्ता स्वरूप, बहुत प्रकार से बहुत रूपों में भासित होने वाले,
सत्पुरुषों के परम प्रापणीय स्थान, हनुमान आदि श्रेष्ठ सूरवीर योद्धाओं से युक्त सेना वाले यदि वंशियों में सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुषों के आश्रय, जिनके परिकर यमुना तट निवासी गोपाल बाल आदि अति सुंदर है, ऐसे श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के मुख्य निवास स्थान, अपनी माया से जगत को आच्छादित करने वाले परम देव, समस्त प्राणियों के आधार, अपार शक्ति और संपत्ति से युक्त, धर्म विरुद्ध मार्ग में चलने वाले, घमंड को नष्ट करने वाले, अपने भक्तों को विशुद्ध उत्साह प्रदान करने वाले, नित्यानंद मग्न, बड़ी कठिनता से हृदय में धारित होने वाले, दूसरों से अजित, समस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति है, ऐसे विराट स्वरूप, बड़े रूप वाले, स्वेच्छा से धारण किए हुए देदीप्यमान स्वरूप से युक्त, जिनकी कोई मूर्ति नहीं है, ऐसे निराकार, नाना अवतारों में स्वेच्छा से लोगों का उपकार करने के लिए बहुत मूर्तियों को धारण करने वाले, अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका स्वरूप किसी भी प्रकार से व्यक्त न किया जा सके, ऐसे अप्रकट स्वरूप, सैकड़ों मूर्तियों वाले, सैकड़ों मुखों वाले, सब प्रकार के भेदभाव से रहित अद्वितीय, अवतार भेद से अनेक, जिनमें से सोम नाम की औषधि का रस निकाला जाता है, ऐसे यज्ञ स्वरूप, सुख स्वरूप, विचारणीय ब्रह्म स्वरूप, स्वतः सिद्ध, विस्तार जानने वाले, मुमुक्षु पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य अत्युत्तम परम पद स्वरूप, समस्त प्राणियों के हित करने वाले परम मित्र, सबके द्वारा याचना किए जाने वाले लोक स्वामी, मधुकुल में उत्पन्न होने वाले, भक्तों से प्रेम वात्सल्य बढ़ाने वाले, सोने के समान पीत वर्ण वाले, सोने के समान चमकीले अंगों वाले, परम श्रेष्ठ अंग प्रत्यंगों वाले, चंदन के लेप और बाजूबंद से सुशोभित, शूरवीर असुरों का नाश करने वाले, जिनके समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसे अनुपम, समस्त विशेषणों से रहित, अपने आश्रित जनों के लिए कृपा से सने हुए द्रवित संकल्प करने वाले, किसी भी प्रकार से विचलित न होने वाले, अर्थात अविचल, वायु रूप से सर्वत्र गमन करने वाले, स्वयं मान न चाहने वाले, दूसरों को मान देने वाले, सबके पूजनीय, 14 भुवनों के स्वामी, तीनों लोकों को धारण करने वाले, अति उत्तम सुंदर बुद्धि वाले, यज्ञ में प्रकट होने वाले, नित्य कृत कृत्य होने के कारण सर्वथा धन्यवाद के प्राप्त, सच्ची और श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत भगवान के रूप से पृथ्वी को धारण करने वाले, अपने भक्तों पर आनंदमय तेज की वर्षा करने वाले, परम कांति को धारण करने वाले, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, भक्तों के द्वारा अर्पित पत्र पुष्पादि को ग्रहण करने वाले, सबका निर्ग्रह करने वाले, अपने भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात रूप चार सिंगों को धारण करने वाले, शब्द ब्रह्म स्वरूप, गद से पहले जन्म लेने वाले श्री कृष्ण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न स्वरूप चार मूर्तियों वाले, चार भुजाओं वाले, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों से युक्त, सालोक्य समीप्य सारूप्य और सायुज्य रूप चार परम गति स्वरूप वाले, मन बुद्धि अहंकार और चित्त रूप चार अंतःकरण वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के उत्पत्ति स्थान, चारों वेदों के अर्थ को भली भांति जानने वाले, एक पाद वाले यानी एक पाद से समस्त विश्व को व्याप्त कर देने वाले, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी हटा हुआ नहीं है, ऐसे ईश्वर, किसी से भी जीतने में न आने वाले, जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सके, ऐसे ईश्वर, बिना भक्ति के प्राप्त न होने वाले, कठिनता से जानने में आने वाले, कठिनता से प्राप्त होने वाले, बड़ी कठिनता से योगी जनों द्वारा हृदय में बसाए जाने वाले, दुष्ट मार्ग में चलने वाले दैत्यों का वध करने वाले, कल्याणकारक सुंदर अंगों वाले, लोकों के सारों को ग्रहण करने वाले, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, पूर्वोक्त जगत तंतु को बढ़ाने वाले, इंद्र के समान कर्म वाले, बड़े बड़े कर्म करने वाले, जो समस्त कर्तव्य कर्म कर चुके हैं, जिनका कोई कर्तव्य शेष ना रहा हो, ऐसे कृतकृत्य वाले, स्वेच्छित अनेक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करने वाले, स्वेच्छा से श्रेष्ठ जन्म धारण करने वाले, परम सुंदर परम करुणाशील रत्न के समान सुंदर नाभि वाले, सुंदर नेत्रों वाले, ब्रह्मा आदि पूज्य पुरुषों के भी पूज्यनीय, याचकों को अन्न प्रदान करने वाले, प्रलय काल में सिंह युक्त
मत्स्य विशेष का रूप धारण करने वाले, शत्रुओं को पूर्णतः जीतने वाले, सब कुछ जानने वाले और सबको जीतने वाले, सोने की चमक के समान कांति वाले, स्वाद ध्वनि से विरक्त हैं वह ईश्वर जो सभी भाषाओं के स्वामी हैं अर्थात ज्ञान हैं, जिनका हृदय अनंत खुशी रूपी जल से भरा हुआ है, जिसकी माया को पार करना कठिन है, जो समय और स्थान से परे हैं, जो अपने भक्तों के लिए खजाने के भंडार हैं, कु अर्थात पृथ्वी को उसका भार उतार कर प्रसन्न करने वाले, हिरण्याक्ष को मारने के लिए पृथ्वी को विदीर्ण करने वाले, परशुराम अवतार में पृथ्वी प्रदान करने वाले, बादलों की भांति समस्त इष्ट वस्तुओं की वर्षा करने वाले, स्मरण मात्र से पवित्र करने वाले, सदा प्रबुद्ध रहने वाले, जिनकी आशा कभी विफल ना हो ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट ना हो ऐसे नित्य विग्रह, सदा सर्वदा सब कुछ जानने वाले, सब और मुख वाले, यानी जहाँ कहीं भी उनके भक्त भक्तिपूर्वक पत्र पुष्पादि जो कुछ भी अर्पण करे उसे भक्षण कर लेने वाले, नित्य निरंतर चिंतन करने वालों को और एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्त को बिना ही परिश्रम के सुगमता से प्राप्त होने वाले, सुंदर भोजन करने वाले यानी अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्पादि मामूली भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर खा लेने वाले, स्वभाव से ही समस्त सिद्धियों से युक्त देवता और सत्पुरुषों के शत्रुओं को जीतने वाले, देव शत्रुओं को तपाने वाले, वट वृक्ष स्वरूप कारण रूप से आकाश के भी ऊपर रहने वाले, पीपल वृक्ष स्वरूप चाणूर नामक अंध्र जाति के वीर मल्ल को मारने वाले, अनंत किरणों वाले सूर्य स्वरूप काली कराली मनोजवा सुलोहिता धूमवर्णा स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि इन सात जीवाओं वाले अग्नि स्वरूप, सात दीप्ति वाले अग्नि स्वरूप, सात घोड़े वाले सूर्य रूप, मूर्ति रहित निराकार सब प्रकार से निष्पाप किसी प्रकार भी चिंतन करने में न आने वाले अव्यक्त स्वरूप, दुष्टों को भयभीत करने वाले, स्मरण करने वालों के और सत्पुरुषों के भय का नाश करने वाले, अत्यंत सूक्ष्म सबसे बड़े, अत्यंत पतले और हल्के, अत्यंत मोटे और भारी समस्त गुणों को धारण करने वाले, सत्व रज और तम इन गुणों से परिपूर्ण गुण प्रभाव ऐश्वर्य और ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण परम महत्वपूर्ण संपन्न करने वाले, जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता ऐसे निराधार अपने आप से धारित यानी अपनी ही महिमा में स्थित रहने वाले सुंदर मुख वाले, जिनसे समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई है ऐसे समस्त पूर्वजों के भी पूर्वज आदि पुरुष प्रपंच स्वरूप वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले, शेषनाग आदि के रूप में पृथ्वी का भार उठाने वाले और अपने भक्तों के योग्य क्षेम रूप भार को वहन करने वाले, वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप का बार बार कथन किया गया हो ऐसे सबके द्वारा वर्णित नित्य समाधि युक्त वाले ईश्वर, समस्त योगियों के स्वामी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सबको विश्राम देने वाले, दुष्टों को संतप्त करने वाले, प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले, वेद रूप सुंदर पत्तों वाले, वायु को गमन करने के लिए शक्ति देने वाले, धनुषधारी श्री राम, धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम, दमन करने वालों की दमन शक्ति, यम और राजा आदि के रूप में दमन करने वाले, दंड का कार्य यानी जिनको दंड दिया जाता है उनका सुधार करने वाले, शत्रुओं द्वारा पराजित न होने वाले, सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य से युक्त अतिशय तितिक्षु, सबको अपने अपने कर्तव्य से नियुक्त करने वाले, नियमों से न बंधे हुए जिनका कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं है ऐसे परम स्वतंत्र रूप, जिनका कोई शासक नहीं है ऐसे ईश्वर, बल वीर्य सामर्थ्य आदि समस्त तत्वों से संपन्न सत्व गुण प्रधान नविग्रह सत्य भाषण स्वरूप यथार्थ भाषण और धर्म के परम आधार, प्रेमी जन जिनको चाहते हैं ऐसे परम इष्ट अत्यंत प्रिय वस्तु समर्पण करने के लिए योग्य पात्र वस्तु वाले, सबके परम पूज्य भजने वालों के प्रिय, अपने प्रेमियों के प्रेम को बढ़ाने वाले, आकाश में गमन करने वाले, स्वयं प्रकाश स्वरूप वाले, सुंदर रुचि और कांति वाले, यज्ञ में हवन की हुई समस्त हवि को अग्नि रूप से भक्षण करने वाले, सर्वव्यापी समस्त रसों का शोषण करने वाले सूर्य, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, शोभा को प्रकट करने वाले, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले सूर्य रूप नेत्रों वाले, सब प्रकार से अनंत रहित यज्ञ में हवन की हुई सामग्री को उन उन देवताओं के रूप में भक्षण करने वाले, जगत का पालन करने वाले
भक्तों को दर्शन रूप परम सुख देने वाले, धर्म रक्षा, साधु रक्षा आदि परम विशुद्ध हेतु स्वेच्छा पूर्वक अनेक जन्म धारण करने वाले, सबसे पहले जन्मे वाले आदि पुरुष, पूर्ण काम होने के कारण उक्ताहट से रहित सत्पुरुषों पर क्षमा करने वाले, समस्त लोगों के आधार, अत्यंत आश्चर्यमय अनंत काल स्वरूप, सबके कारण होने से ब्रह्म आदि पुरुषों की अपेक्षा भी परम पुराण पुरुष, महर्षि कपिलावतार, सूर्यदेव, संपूर्ण जगत के लय स्थान, परमानंद स्वरूप मंगल देने वाले, आश्रितों जनों का कल्याण करने वाले, कल्याण स्वरूप भक्तों के परम कल्याण की रक्षा करने वाले, कल्याण करने में समर्थ और शीघ्र कल्याण करने वाले, सब प्रकार के रुद्र भावों से रहित शांति मूर्ति, सूर्य के समान प्रकाशमान मकराकृति कुंडलों को धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, सबसे विलक्षण पराक्रमशील, जिनकी श्रुति स्मृति रूप शासन अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करने वाले, शब्द की जहाँ पहुँच नहीं है ऐसे वाणी के अविषय कठोर शब्दों को सहन करने वाले, त्रिपाप पीड़ितों को शांति देने वाले शीतल मूर्ति, ज्ञानियों की रात्रि संसार और अज्ञानियों की रात्रि ज्ञान, इन दोनों को उत्पन्न करने वाले, सब प्रकार के क्रूर भावों से रहित मन वाणी और कर्म सभी दृष्टियों से सुंदर होने के कारण परम सुंदर, सब प्रकार से समृद्ध परम शक्तिशाली और क्षण मात्र में बड़े से बड़ा कार्य कर देने वाले महान कार्य कुशल संहारकारी क्षमा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान सब प्रकार के भय से रहित जिनके नाम गुण महिमा और स्वरूप का श्रवण और कीर्तन परम पावन है ऐसे ईश्वर संसार सागर से पार करने वाले पापों का और पापियों का नाश करने वाले स्मरण आदि करने वाले समस्त पुरुषों को पवित्र कर देने वाले ध्यान स्मरण कीर्तन और पूजन करने से बुरे स्वप्नों का नाश करने वाले शरणागतों की विविध गतियों यानी संसार चक्र का नाश करने वाले सब प्रकार से रक्षा करने वाले विद्या विनय और धर्म आदि का प्रचार करने के लिए संतों के रूप में प्रकट होने वाले समस्त प्रजा को प्राण रूप से जीवित रखने वाले समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाले अमित रूप वाले अपरिमित शोभा संपन्न वाले सब प्रकार से क्रोध को जीत लेने वाले भक्त भयहारी मंगल मूर्ति गंभीर मन वाले अधिकारियों को उनके कर्मानुसार विभाग पूर्वक नाना प्रकार के फल देने वाले सबको यथा योग्य विविध आज्ञा देने वाले वेद रूप से समस्त कर्मों का फल बताने वाले जिसका आदि कोई न हो ऐसे सबके कारण स्वरूप पृथ्वी के भी आधार समस्त शोभायमान वस्तुओं की शोभा स्वरूप उत्तम योद्धा परम रुचिकर कल्याणमय बाजूबंदों को धारण करने वाले प्राणी मात को उत्पन्न करने वाले जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण दुष्टों को भय देने वाले अतिशय भय उत्पन्न करने वाले पराक्रम से युक्त आधार स्वरूप पृथ्वी आदि समस्त भूतों के स्थान जिसका कोई भी बनाने वाला न हो ऐसे स्वयं स्थित पुष्प की भांति विकसित हास्य वाले भली प्रकार जागृत रहने वाले नित्य प्रबुद्ध सबसे ऊपर रहने वाले सत्पुरुषों के मार्ग का आचरण करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम परीक्षित आदि मरे हुए को भी जीवन देने वाले ओंकार स्वरूप यथा योग्य व्यवहार करने वाले सिद्ध होने से स्वयं प्रमाण स्वरूप प्राणों के आधारभूत समस्त प्राणों का पोषण करने वाले प्राण वायु के संचार से प्राणियों को जीवित रखने वाले यथार्थ तत्व स्वरूप यथार्थ तत्व को पूर्णता जानने वाले अद्वितीय स्वरूप जन्म मृत्यु और बुढ़ापा आदि शरीर के धर्मों से सर्वथा अतीत रहने वाले भू भुव स्व तीनों लोकों वाले संसार वृक्ष स्वरूप संसार सागर से पार उतारने वाले सबको उत्पन्न करने वाले पितामह ब्रह्मा के भी पिता यज्ञ स्वरूप समस्त यज्ञों के अधिष्ठदाता यजमान रूप से यज्ञ करने वाले समस्त यज्ञ रूप अंगों वाले वराह स्वरूप यज्ञों को चलाने वाले यज्ञों को धारण करने वाले यज्ञों के रचयिता समस्त यज्ञ जिसमें समाप्त होते हैं ऐसे यज्ञ शेषी समस्त यज्ञों के भोक्ता ब्रह्म यज्ञ जप यज्ञ आदि बहुत से यज्ञ जिनकी प्राप्ति के साधन है ऐसे ईश्वर यज्ञों का फल देने वाले यज्ञों में गुप्त निष्काम यज्ञ स्वरूप समस्त प्राणियों के अन्न यानी अन्न की भांति उनकी सब प्रकार से तुष्टि पुष्टि करने वाले समस्त अन्नों के भोक्ता जिनका कारण दूसरा कोई नहीं है ऐसे स्वयं योनि स्वरूप स्वयं अपने आप से स्वेच्छा पूर्वक प्रकट होने वाले पातालवासी
हिरण्याक्ष का वध करने के लिए पृथ्वी को खोदने वाले वाराह अवतारधारी, सामदेव का गान करने वाले देवकी पुत्र, समस्त लोकों के रचयिता पृथ्वीपति, स्मरण कीर्तन पूजन और ध्यान आदि करने से समस्त पाप समुदायों का नाश करने वाले, पांच जन्य शंख को धारण करने वाले, नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले, सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, शागर्द धनुषधारी, कोमोद की नाम की गदा धारण करने वाले, भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले श्री कृष्ण, जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किए जा सके, ऐसे ईश्वर, ज्ञात और अज्ञात जितने भी युद्धादि में काम आने वाले अस्त्र शस्त्र हैं, उन सबको धारण करने वाले, ऐसे ईश्वर को प्रणाम है, जिसके पास युद्ध के लिए सभी प्रकार के अस्त्र है, फूलों की माला पहनने वाले, गदा धनुष शंख चक्र और तलवार से शोभित, और जिसे नारायण विष्णु और वासुदेव कहा जाता है, वह ईश्वर हमारी रक्षा करे। यह हजार नामों की समाप्ति दिखलाने के लिए अंतिम नाम को दोबारा लिखा गया है। मंगलवाची होने से ओंकार का स्मरण किया गया है। अंत में नमस्कार करके भगवान की पूजा की गई है। इस प्रकार यह कीर्तन करने योग्य महात्मा केशव के दिव्य 1000 नामों का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया गया है। जो मनुष्य इस विष्णु सहस्त्र नाम का सदा श्रवण करता है और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी कुछ भी अशुभ नहीं होता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु लक्ष्मीपति नारायण जी की जय हो।